संपूर्ण हनुमान चालीसा हरे दोहे और उसके बाद उनके अर्थ के साथ। तो लीजिए, ये रही हनुमान चालीसा अर्थ सहित आपके सामने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर नव रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धन अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे कलेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश दिहुलोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ बज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आप हाथ में बज और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिहाय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात हे महावीर हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात सहस्त्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कही सके कहाँते। अर्थात यमराज कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्ण तौर वर्णित नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात
आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लिल्योता ही मधुर फल जानो। अर्थात सहरसों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया। प्रभु मुद्री का मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम जी की अंगूठी मुँह में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। अर्थात आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरण किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। ना से रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ लावे। अर्थात मन क्रम और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उचियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप श्री राम के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है, जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई। अर्थात ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम जाते हैं, और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करे। अर्थात हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वह परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी है कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। अर्थात हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभो, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। आज के बाद कोई भी आ सकता है।